हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ है एंड आई विल बी टॉक टू टॉप 10 क्लासेज। और आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे अभ्यास 7.1 के जो बचे हुए सवाल थे। हमने पिछले क्लास में अभ्यास 7.1 के 4 तक के सारे सवाल को पढ़ लिया था और आज की क्लास में हम लोग 7.1 के 5वीं सवाल को अध्ययन करेंगे। 5वीं सवाल आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो आपसे पूछ क्या रहा है कि किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली अंदर आती है, दो लड़की है, और उनसे पूछती है कि जो यहाँ पर बैठे हुए बच्चे हैं वह एक वर्ग में है या फिर नहीं। तो क्या कहती है चंपा उसको, बिना हल किए तो बता नहीं सकती है। तो आइए हम लोग उसको हल करते हैं, फिर बताते हैं कि यह एक वर्ग में है या नहीं। थोड़ा इससे पहले हम लोग वर्ग पर चर्चा कर लेते हैं। जो वर्ग होता है, वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो अगर यहां पर भी देखो चार भुजा दिया गया है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, और एक बिंदु सी है, और एक बिंदु डी है। अगर हमारी एबी की भुजा, एबी की भुजा अगर बीसी के बराबर आ जाए, और जो हमारी सीडी की भुजा है और जो डीए की भुजा है, अगर यह चारों आपस में बराबर आ जाएंगे, यह हमारा वर्ग होगा और अन्यथा वर्ग नहीं होगा। तो हम लोग इसको ज्ञात कैसे करेंगे, आइए सबसे पहले जो हमारा दिया गया निर्देश है, हम लोग सबसे पहले निर्देश को पता कर लेते हैं। जो हमारा दिया गया निर्देश है कि जो हमारा बिंदु ए है, वह जो हम लोग जानते हैं यह दूरी हमारी होती है एक्स एक्सिस, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष, और यह दूरी हमारी होती है वाई अक्ष, वाई अक्ष, और यह हमारा होता है यक्ष अक्ष। अब यक्ष अक्ष पर जो बैठे हुए पहले ए ग्रुप के लोग हैं, ए बच्चे, वह सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अगर किसी को निर्देश करना होता है तो सबसे पहले हम लोग यक्ष अक्ष को निर्देश करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग वाई अक्ष को निर्देश करते हैं। तो यक्ष अक्ष को निर्देश करने के लिए सबसे पहले देखो कितने बच्चे बैठे हैं यक्ष अक्ष पर, तीन बच्चे। तो इसको लिखेंगे ए का निर्देश, ए का निर्देश यक्ष अक्ष पर कितने लोग हैं, तीन, और वाई अक्ष पर कितने लोग हैं, चार। फिर इसके बाद हम लोग आगे करेंगे बी का निर्देश, देखेंगे बी पर कितने लोग बैठे हैं। तो बी अक्ष पर, बी के यक्ष अक्ष पर बैठे हुए बच्चों की संख्या कितनी है, छह। और वाई अक्ष पर कितने बच्चे बैठे हैं, सात। फिर इसके बाद हम लोग सी को निर्देश करते हैं, सी पर हमारा जो सी है वह यक्ष अक्ष पर नौ बच्चे बैठे हैं, और जो हमारा वाई अक्ष है उस पर चार बच्चे। फिर इसके बाद है कि हमारा डी निर्देश, तो डी को हम लोग पता करते हैं, डी पर यक्ष अक्ष पर छह और वाई पर एक। मतलब जो हमारा ए का निर्देश, बी का निर्देश, सी का निर्देश और डी का निर्देश है, यह हम लोगों को पता चल गया। जब ए बी सी और डी का निर्देश पता चल गया है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बीच की दूरी में रखकर, बीच की दूरी में रखकर इसको हम लोग क्या करते हैं, पता कर लेते हैं। अगर ए बी की दूरी बी सी के बराबर, बी सी की दूरी सी डी के बराबर और सी डी की दूरी डी ए के बराबर आ जाएगी, तो हमारा दिया गया जो चित्र है वह एक वर्ग में बैठे हुए हैं, अन्यथा वर्ग में बैठे हुए नहीं है। तो आइए हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बीच की दूरी का सूत्र जानते हैं, डी बराबर हम लोगों को पता है अंडर रूट यक्स टू माइनस यक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो यहां पर देखो सबसे पहले हम लोग ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं, तो लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, तो ए बी के बीच की दूरी ए बी बराबर, अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ए का निर्देश दिया है, दिया है तीन कामा चार,
तो हम लोग यहां पर एक्स वन बराबर पता हो गया 3 और वाई वन बराबर हम लोगों को पता हो गया 4। और हमारा इसी में बी का निर्देश दिया है, बी का निर्देश दिया है 6.7, 6.7 दिया है। तो एक्स वन एक्स टू बराबर हो जाएगा 6 और वाई टू बराबर हो जाएगा 7। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बीच की दूरी के सूत्र में रख देते हैं। तो ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स टू। सबसे पहले सूत्र से, सूत्र में हमारा दिया है एक्स टू, एक्स टू का मान दिया है 6 माइनस, अब एक्स वन का मान दिया है 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू का मान दिया है 7 माइनस वाई वन का मान दिया है हमारा 4, 4 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 6 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 4 को घटा देंगे बचेगा 3 का होल स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 त्रिका हो जाएगा 9 और प्लस 3 त्रिका हो जाएगा 9 और 9 में 9 को जोड़ देंगे तो हमारा 9 9 हो जाएगा 18 इकाई, हमारा हो जाएगा 18 इकाई। यानी जो हमारा ए बी का मात्रा ए बी की दूरी है वह कितनी है, 18 इकाई है। अब हम लोग क्या करते हैं, बी सी की दूरी निकाल लेते हैं। बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, तो बी का निर्देश हम लोगों को दिया है कितना, 6.7। तो हमारा एक्स वन हो जाएगा यहां पर 6 और वाई वन हो जाएगा हमारा 7। अब हम लोग क्या करते हैं, सी को निर्देश करते हैं। सी हमारा दिया गया है कितना, 9.4। तो एक्स टू बराबर हो जाएगा 9 और वाई टू बराबर हो जाएगा 4। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बीच की दूरी में रख देते हैं। तो हो जाएगा बीच की दूरी अंडर रूट बी सी के बीच की दूरी अंडर रूट एक्स टू, एक्स टू का मान दिया है 9 तो 9 माइनस एक्स वन का मान दिया है 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू का मान दिया है 4 माइनस वाई वन का मान दिया है 7 का होल स्क्वायर। 9 में से 6 घटा देंगे तो बचेगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 7 घटाएंगे बचेगा माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों का वर्ग कर देंगे 3 त्रिका हो जाएगा 9 और माइनस 3 का गुणा दो बार करेंगे 3 त्रिका हो जाएगा 9। तो हो जाएगा 9 9 हो जाएगा 18 इकाई। जो हमारा ए बी था और जो हमारा बी सी थे, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, बराबर है। अब हम लोग क्या करते हैं, बी सी के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, सी डी की बीच की दूरी निकालते हैं। किसके बीच की, सी और डी के बीच की दूरी निकालते हैं। आइए हम लोग सी और डी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, सी से डी के बीच की दूरी निकालते हैं। सी डी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी, जो सी का निर्देश दिया गया है हमारा वह दिया है 9.4 और जो हमारा डी का निर्देश दिया है वह दिया है कितना, 6.1। तो यहां पर हमारा हो जाएगा सी का निर्देश 9.4, तो यानी जो एक्स वन हो जाएगा वह हो जाएगा 9 और जो एक्स टू है वह हो जाएगा 4 और जो हमारा डी का निर्देश दिया है वह 6.1 और एक्स टू हो जाएगा 6 और वाई टू हमारा हो जाएगा कितना, 1। अब इसके बीच की दूरी को हम लोग निकालते हैं। सी डी के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट एक्स टू का मान दिया है 6 माइनस एक्स वन का मान दिया है 9 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू का मान दिया है 1 माइनस और वाई वन यहां पर हमारा वाई वन रहेगा, वाई टू का मान दिया 1 और वाई वन का मान दिया 4, 4 का होल स्क्वायर बराबर यहां पर हो जाएगा 6 में से 9 घटाएंगे बचेगा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 1 घटाएंगे बचेगा हमारा माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 3 का होल स्क्वायर 3 त्रिका हो जाएगा 9 और 3 त्रिका हो जाएगा 9 यानी 9 में 9 जोड़ देंगे तो 9 9 हमारा हो जाएगा 18 मात्रक इकाई। यानी हमारा सी डी की जो दूरी आ गया वह कितना आ गया, 18 इकाई आ गया। अब ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, डी से ए की बीच की दूरी, डी से ए के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। डी ए के बीच की दूरी,
बीच की दूरी। तो जो हमारा डी का निर्देश है वह दिया है कितना, 6.1। तो यहां पर हमारा x1 हो जाएगा 6 और y1 हमारा हो जाएगा 1। अब हमारा इसी में a का निर्देश दिया है कितना, a का निर्देश हमारा दिया हुआ है 3.4। तो हमारा यहां पर x2 का निर्देश हो जाएगा 3 और y2 का निर्देश हो जाएगा 4। अब हम लोग क्या करते हैं, c से a से d के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, d से a के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा, रखेंगे इसको अंडर रूट x2, x2 का मान हमारा दिया हुआ है 3 माइनस x1 का मान दिया 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हमारा दिया है 4 माइनस y1 का मान दिया 1 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, अब 6 में से 3 को घटा देंगे तो बचेगा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 1 घटा देंगे तो बचेगा 3 का होल स्क्वायर। अब 3 का होल स्क्वायर करेंगे 3 तरीका 9 प्लस 3 तरीका हो जाएगा 9 और 9 में 9 जोड़ देंगे तो 9 हमारा आ जाएगा 18 इकाई। यानी कहने का यह अर्थ है कि जो हमारा ए बी है और जो हमारा बी सी है, ए बी के बीच की दूरी जो हमें प्राप्त हुआ वह हम लोगों को अंडर रूट 18 इकाई मिला, और जो हम लोगों को बीसी बीसी की बीच की दूरी मिला वह भी अंडर रूट 18 इकाई। फिर इसके बाद हम लोगों को सीडी सीडी के बीच की दूरी भी मिला वह भी अंडर रूट 18 इकाई, और जो हमें डीए के बीच की दूरी मिला वह भी हमारा कितना है, 18 इकाई। तो अतः कहने का यह अर्थ है जो इसकी दी गई चारों भुजाएं हैं वह आपस में क्या हैं, बराबर हैं। जो इसकी दी गई चारों भुजाएं हैं वह आपस में क्या हैं, बराबर हैं। अतः जो चंपा चमेली से कह रही है कि तुम नहीं सोचती, कौन कह रहा है कि चंपा जो कह रही है चमेली से कि तुम नहीं सोचती ए बी सी डी एक वर्ग है, जो चंपा कह रही है चंपा क्या है, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा चंपा सही बात कह रही है, सही बात कह रही है। जो चंपा है वह क्या कर रही है, सही बात कर रही है कि जो बैठे हुए छात्र हैं ए बी सी डी वह एक वर्ग में बैठे हुए हैं। अतः इस प्रकार हमारा यह सवाल क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा 6 नंबर हमसे क्या कहता है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, आइए हम लोग उसको हल करते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाला चतुर्भुज बताइए, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाला चतुर्भुज बताइए। तो यहां पर हमें 3 सवाल दिया गया है, 3 सवाल को आइए हम लोग एक एक करके हल करते हैं। जो हमारा पहला बिंदु दिया है, पहला दिया है कि -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0 से बनने वाला कौन सा चित्र बनेगा, कौन सा आकार बनेगा, उसको हम लोगों को बताना है। तो यही बता रहा है कि बनने वाला चतुर्भुज बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको निर्देश करेंगे। हम लोग पहले सवाल को क्या करते हैं, हल करते हैं। पहला सवाल कह रहा है हमसी कि -1, -2, फिर 1, 0, फिर -1, 2, फिर दिया है -3, 0। तो हम लोग इसको पहले बिंदु से निर्देशित करते हैं, इसको माना ए बिंदु -1, -2, इसको माना बिंदु बी 1, 0, इसको माना बिंदु सी -1, 2, और इसको माना बिंदु डी -3, 0। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी बी सी सी डी और डी ए के बीच की क्या करेंगे, दूरी को पता करेंगे। अब यह जो दूरी आपस में बराबर होगा तो बनने वाला आकार को हम लोग क्या कर सकेंगे, बता सकेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो चतुर्भुज होता है, हम लोग थोड़ा चतुर्भुज पे चर्चा कर लेते हैं। जो चतुर्भुज होता है उसमें टोटल कितने भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। तो 4 भुजाएं, यहां पर 4 बिंदु दिया गया है। अब 4 बिंदु की सहायता से हम लोग इसको 4 भुजाओं में बराबर कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा निर्देश दिया गया है हम लोग उसको सबसे पहले हल करेंगे। ए से बी पहली भुजा हम लोगों ने माना ए बी, फिर दूसरी मान लिया बराबर बी सी, फिर तीसरी मान लिया सी डी और चौथा मान लिया डी ए। अगर ये चारों आपस में बराबर होंगे तो चतुर्भुज तो होगा, लेकिन पूछ रहा है इसमें कौन सा चतुर्भुज होगा।
पूछ रहा इसमें कौन सा चतुर्भुज होगा, तो आइए हम लोग सबसे पहले लगाएंगे, लगाने के बाद हम लोग इसके आंसर को बता सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी को निकालते हैं, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, तो यहां पर देखो ए का निर्देश दिया है हमारा कितना, माइनस एक कामा माइनस दो, और हमारा बी का यहां पर, और बी का निर्देश दिया है एक कामा जीरो, तो हमारा एक्स वन बराबर हो जाएगा माइनस एक और वाई वन बराबर हो जाएगा माइनस दो, फिर हमारा यहाँ पर एक्स टू बराबर हो जाएगा एक और वाई टू बराबर हो जाएगा हमारा जीरो। अब हम लोग क्या करते हैं, ए से बी के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स टू, एक्स टू का मान दिया है एक माइनस एक्स वन का मान दिया है माइनस एक, तो माइनस एक को रखकर इसको क्या कर देते हैं स्क्वायर, प्लस वाई टू का मान दिया है जीरो माइनस और वाई वन का मान दिया है माइनस दो का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट माइनस ए एक है, माइनस एक का गुणा माइनस एक में तो हो जाएगा प्लस एक का होल स्क्वायर, प्लस जीरो है माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा प्लस दो का होल स्क्वायर, एक और एक हो जाएगा दो, दो का होल स्क्वायर प्लस दो का होल स्क्वायर, दो दूना हो जाएगा चार और दो दूना हो जाएगा चार और चार चार हमारा जुड़कर हो जाएगा आठ इकाई। जो हमारे ए बी के बीच की दूरी आया वह कितना आ गया, आठ इकाई आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब बी सी के बीच की दूरी को निकाल लेते हैं, बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, तो जो हमारा बी का निर्देश दिया गया है वह दिया गया है हमारा एक कामा जीरो, बी का निर्देश एक कामा जीरो, तो इसको हम लोग एक्स वन बराबर हो जाएगा एक और वाई वन बराबर हो जाएगा जीरो, और सी का हमारा निर्देश दिया गया है कितना, माइनस एक कामा दो, माइनस एक कामा दो, तो एक्स टू बराबर हो जाएगा माइनस एक और वाई टू बराबर हो जाएगा दो। अब हम लोग क्या करते हैं, बी सी के बीच की दूरी, बी सी बराबर अंडर रूट एक्स टू, एक्स टू का मान हमारा दिया गया है माइनस एक, फिर माइनस वाई एक्स वन का मान दिया गया है हमारा एक का होल स्क्वायर, प्लस वाई टू, वाई टू का मान हमारा दिया है दो माइनस वाई वन का मान दिया है जीरो का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट माइनस एक और माइनस एक हो जाएगा माइनस दो का होल स्क्वायर, प्लस दो में जीरो को घटाएंगे बचेगा दो का होल स्क्वायर, अब माइनस दो का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा दो दूना चार प्लस दो दूना चार, तो चार चार हमारा कितना हो जाएगा आठ इकाई, दो दो की चार चार कितना हो जाएगा आठ इकाई, यानी जो हमारा ए बी है और जो बी सी है वह उनकी जो दूरी है वह कितना आ गया अंडर रूट आठ इकाई। अब हम लोग क्या करते हैं, सी से डी के बीच की दूरी निकालते हैं, सी से डी के बीच की दूरी, तो हम लोग लिखेंगे सी डी के बीच की दूरी, सी से डी की बीच की दूरी को हल करते हैं, तो जो हमारा सी का निर्देश दिया है वह दिया है माइनस एक कामा दो और जो हमारा डी का निर्देश दिया है वह दिया है माइनस तीन कामा जीरो, तो हमारा यहां पर एक्स वन हो जाएगा माइनस एक और एक्स वाई वन हो जाएगा दो और यहां पर एक्स टू हो जाएगा माइनस तीन और वाई टू हो जाएगा जीरो। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बीच की दूरी में रखकर हल करते हैं, तो सी डी के बीच की दूरी अंडर रूट एक्स टू का मान दिया है माइनस तीन माइनस एक्स वन का मान दिया है माइनस एक का होल स्क्वायर, प्लस वाई टू का मान दिया है जीरो माइनस वाई वन का मान दिया है दो का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट माइनस तीन माइनस गुड़े माइनस बराबर प्लस एक का होल स्क्वायर, प्लस जीरो में से दो को घटाओ माइनस दो को, माइनस दो का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट तीन में से एक घटाओगे तो बचेगा माइनस दो का होल स्क्वायर प्लस माइनस दो का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, दो का स्क्वायर करोगे दो दूना चार प्लस दो दूना चार और चार में चार को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आठ इकाई। यानी हमारे सी डी की भी बीच की दूरी कितनी आ गई, आठ इकाई आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला डी ए के बीच की दूरी निकालते हैं, डी ए के बीच की दूरी, बीच की दूरी,
अब जो हमारा डी का निर्देश दिया है वह कितना दिया है, डी का निर्देश हमारा दिया हुआ है -3,0, -3,0। और जो हमारा ए का निर्देश दिया है वह दिया हुआ है हमारा -1,-2, -1,-2। तो हमारा एक्स वन बराबर हो जाएगा -3 और वाई वन हो जाएगा 0, और एक्स टू बराबर हो जाएगा -1 और वाई टू बराबर हो जाएगा -2। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बीच की दूरी को निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा डी ए बराबर अंडर रूट x2 का मान दिया है -1, फिर माइनस एक्स वन -3, -3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान दिया है -2, फिर माइनस y1 का मान दिया 0 का होल स्क्वायर, बराबर हो जाएगा अंडर रूट -1 है -1, माइनस गुणे माइनस बराबर +3 का होल स्क्वायर, प्लस -2 है तो -2 में 0 घटाएंगे तो -2 ही बचेगा, अंडर रूट 3 में से घटाएंगे तो बचेगा हमारा 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। अब 2 का गुणा दो बार करेंगे, 2 दूना हो जाएगा 4, प्लस -2 का गुणा दो बार करेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और 4 में 4 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 इकाई, 4 में 4 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 इकाई। इस प्रकार जो हमारा दिया गया चारों चारों बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बी सी सी डी और डी ए के बीच की जो दूरी है वह आपस में क्या है, समान है, वह आपस में क्या है, समान है। अतः जो दिया गया हमारा चतुर्भुज है वह एक क्या है, वह एक वर्ग है। अतः तो हम इसका आंसर लिखेंगे बिंदु एक वर्ग है, एक क्या है, वर्ग है। अतः दिया गया बिंदु एक क्या है, वर्ग है। कैसे, क्योंकि देखो जो हमारा ए बी के बीच की दूरी है वह अंडर रूट 8 इकाई आ रहा है, जो बी सी के बीच की दूरी है वह अंडर रूट 8 इकाई आ रहा है, और जो सी डी के बीच की दूरी है वह अंडर रूट 8 इकाई आ रहा है, और जो हमारा डी ए के बीच की दूरी है वह भी अंडर रूट कितना आ रहा है, 8 इकाई आ रहा है। जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाती है, इक्वल हो जाती है, वह हमारा क्या होता है, वर्ग होता है। जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाती है वह हमारा क्या होता है, वर्ग होता है। तो आप लोग इसका देख सकते हैं, इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इस प्रकार हमारा यह पहला सवाल क्या होता है, सॉल्व होता है। दूसरा और तीसरा सवाल आपको दिया जाता है होमवर्क के लिए, आप उसको क्या कर दिए, जैसे यह सवाल आपको बताए ठीक उसी प्रकार दूसरा और तीसरे सवाल भी, आप उसको क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप क्या कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट कीजिए, जिससे हम उसके आपके सवाल को क्या कर सकें, बता सकें। इसलिए आप लोग दूसरा और तीसरा सवाल को क्या कीजिएगा, स्वयं से हल कीजिएगा। अगर डाउट होगा तो कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम उसका आपको रिप्लाई जरूर देंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल हमसे क्या कहता है उसको भी हल करते हैं। तो सातवां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि सातवां प्रश्न कह रहा है यक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, यक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से क्या है, समान दूरी पर है। -2,-5 और -2,9 से समान दूरी पर स्थित है। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, कह रहा किस पर, यक्ष अक्ष पर। और हम लोगों को पता है कक्षा 9 में हम लोगों ने पढ़ा है यक्ष अक्ष पर जो होता है वाई बराबर क्या होता है, यक्ष अक्ष पर नोट करके हमारा है, यक्ष अक्ष पर जो होता है y बराबर वह 0 होता है, और y अक्ष पर x बराबर क्या होता है, y अक्ष पर x बराबर हम लोगों को 0 प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समान दूरी पर स्थित है। तो आइए हम लोग उसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो कह रहा है x अक्ष, इसको हम लोग जब x अक्ष कह रहा है तो x अक्ष को हमारा x अक्ष पर जो y बराबर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी हम लोग इसको मान लेते हैं, माना जो हमारा दिया गया यह बिंदु है इसको मान लिया पी, जो हमारा कितना है 2,-5, और इसको मान लेते हैं हम लोग आर, कितना दिया है -2,9, और इसको मान लेते हैं हम लोग क्यू, कितना दिया है यक्ष अक्ष पर, यक्ष अक्ष पर वाई बराबर हम लोगों को कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। यक्ष अक्ष पर वाई बराबर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो कह रहा है इसके बीच सम दूरस्थ है, तो समान दूरी पर स्थित है, तो हम लोगों को क्या करना है, वाई का मान पता करना है।
वाई का क्या करना है, मान पता करना है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, समान दूरी पर, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक रेखा बनाते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, एक रेखा बनाते हैं सबसे पहले, इस पर हम लोग तीन बिंदु प्रदर्शित करते हैं, इसको हम लोग P, इसको हम लोग Q और इसको हम लोग R। तो जो हमारा P का निर्देश दिया है वह 2, -5, जो हमारा Q का निर्देश दिया है वह x, 0 और जो R का निर्देश दिया है वह -2, 9। अब हम लोग क्या करते हैं, जो कह रहा है समान दूरी है यानी P से Q और Q से R के बीच की दूरी क्या है, समान है, तो लिखेंगे PQ बराबर क्या हो जाएगा, QR आपस में समदूरस्थ हैं, आपस में समदूरस्थ हैं, आपस में समदूरस्थ हैं। हम लोग क्या करेंगे, PQ के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, P का हमारा निर्देश दिया है कितना, 2, -5, 2, -5 और जो हमारा Q का निर्देश दिया है वह दिया है x, 0। तो हमारा x1 बराबर हो जाएगा 2 और y1 बराबर हो जाएगा -5 और यहां पर x2 बराबर हो जाएगा x और y2 बराबर हो जाएगा 0। अब इन दोनों के बीच की क्या करेंगे, हम लोग दूरी को निकाल लेते हैं, तो PQ के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2, x2 का मान हो जाएगा कितना, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का, यह दूरी का सूत्र होता है। x2 का मान दिया है कितना, x1 का मान कितना दिया है, 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया है 0 माइनस y1 का मान दिया है कितना, -5 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x का हो, यहां पर देखो a - b का होल स्क्वायर का सूत्र लग गया, तो हम लोग a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab को जानते हैं, तो हो जाएगा x² + 2 * 4 - 2ab, 2 * 4x प्लस, अब क्या करेंगे, 0 है तो 0 का होल स्क्वायर, फिर यहां पर देखो माइनस है, इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, अंदर के हल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, -(-) बराबर प्लस, तो 0 का होल स्क्वायर करेंगे 0 और 5 का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25, इतना हो गया बराबर अंडर रूट। अब x² है तो x² यहां पर देखो 4x है तो -4x, अब यह देखो +4 है और यह +25 है, 25 और 4 कितना हो जाएगा, 29। जो हमारा P से Q के बीच की दूरी है वह अंडर रूट x² - 4x + कितना है, 29 है। अब हम लोग क्या करेंगे, Q से R के बीच की दूरी को निकालेंगे, Q से R के बीच की दूरी को निकालेंगे, हो जाएगा हमारा QR के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, जो हमारा Q का निर्देश दिया है वह दिया है x, 0 और जो हमारा R का निर्देश दिया है वह दिया है -2, 9। तो x1 बराबर हो जाएगा x और y1 बराबर हो जाएगा 0 और x2 बराबर हो जाएगा -2 और y2 बराबर हो जाएगा 9। अब इसके बीच की दूरी को निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा QR बराबर अंडर रूट x2 का मान दिया है -2 माइनस x1 का मान दिया है x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया है कितना, 9 माइनस y1 का मान कितना दिया है, 0 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट -2 और -x। यहां पर भी हम लोगों का सूत्र लग गया a - b का होल स्क्वायर, तो देखो हम लोग ये -b का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर करेंगे 2 * 4 प्लस -x का होल स्क्वायर करेंगे तो x² -2ab होता है, लेकिन यहां पर देखो a और b भी दोनों क्या है, माइनस में है, क्या हो जाएगा 2 * 4x प्लस, अब 9 में से 0 घटाएंगे बचेगा 9, 9 का स्क्वायर करेंगे 9 कितना हो जाएगा 81 बराबर अंडर रूट।
तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 4x, 81 में 4 को जोड़ देते हैं तो हम लोगों को कितना मिल जाएगा, 85 मिल जाएगा। तो हमारा जो क्यू आर की बीच की दूरी है वह यक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना आ गया, 85 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके हमें कह रहा है ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, आपस में इक्वल करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे पी क्यू बराबर क्यू आर, आपस में क्या है, बराबर हैं, आपस में बराबर हैं, आपस में बराबर हैं। तो आपस में बराबर हैं तो लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर अंडर रूट यक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अंडर रूट है, यहां पर भी अंडर रूट, अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो गया, हट गया। अब हमारा बचा कितना, यक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब देखो यहां पर यक्स स्क्वायर है, यहां पर यक्स स्क्वायर है, यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर डिलीट हो गया। फिर बचा हमारा माइनस 4x, यहां पर प्लस 4x है। अब यह माइनस है तो यहां पर प्लस है, अब यह 4 है, अब इसको क्या करेंगे, इस तरफ इसको भेज देंगे तो यह हो जाएगा 4x प्लस 4x। और यहां पर देखो प्लस 29 है और यहां पर प्लस 85 है, प्लस 29 और माइनस, ये प्लस है, इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, माइनस 85। अब इसको घटा देते हैं तो 15 में से जब हम 9 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 6, और यहां पर बचा हमारा 7, 7 में से 2 को हम लोग घटा दिए तो हमारे पास बच गया कितना, 5 माइनस बराबर। अब 4 में 4 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8x। अब यहां पर 8x के साथ गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा माइनस 56/8, माइनस 56/8, 8 से 56 में भाग दे देंगे तो 8 सते हो जाएगा कितना, 56, यानी फिर हमारा हो जाएगा 8 सते 56 तो 7 आ जाएगा। तो यक्स बराबर कितना आ गया, 7, यक्स बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। तो हमसे जो पूछ रहा था यक्स का मान क्या होगा, यक्स का मान क्या होगा, वह यक्स का मान हमारा कितना होगा, माइनस 7 होगा, यक्स का मान हमारा कितना होगा, माइनस 7 होगा। इस प्रकार हमारा जो सातवां सवाल हमसे कह रहा था वह हमारा पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, हल हो जाता है। और जो बचे हुए सवाल हैं वह हम आपको मिलेंगे लेकर अगली क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। और आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के पश्चात आपको वीडियो कैसी लगी उसको क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आपके पास जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उनके पास वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन सब का भी क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके। जो स्कूल और कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं वो अपने घर पर ऑनलाइन मोबाइल की सहायता से क्या कर सके, अपने स्टडी को अध्ययन कर सके। और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।